जेस्टेशनल डायबिटीज़ बेबी को इफ़ेक्ट कर सकती है अगर वो अनकंट्रोल्ड हो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ नॉर्मली 24 हफ्ते के बाद आती है नॉर्मली, तो ऐसे में अगर हम उसको अनकंट्रोल छोड़ दें तो जो आपका ब्लड शुगर है वो बच्चे को पहुंच रहा है, तो ग्लूकोज लेवल्स बच्चे को पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से बेबी का साइज़ बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके जो पेनक्रियाज हैं वो आपके ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से इंसुलिन बनाएंगे, और उसकी वजह से उसका साइज़ बड़ा हो सकता है, वो बिग बेबी हो सकता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। और अगर बेबी का साइज़ बड़ा होता है तो उसके डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया, बिग बेबी। दूसरी जो प्रॉब्लम बेबी को हो सकती है वो ये कि बेबी के पैदा होते ही बेबी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसा वो इसलिए है क्योंकि बेबी के इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद ग्लूकोज सप्लाई कम हो जाता है बेबी का और इंसुलिन लेवल्स हाई हैं, तो एकदम से ही बेबी की शुगर्स लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, पैदा होते ही बेबी की शुगर्स लो हो जाना। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मदर का हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हम ब्लड शुगर्स हाई रहने दें, लेकिन अगर हम ब्लड शुगर्स कंट्रोल करें तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। अगर यही शुगर्स फर्स्ट 8 वीक्स में हाई रहें तो बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं और उनके बेबी को जो बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस होते हैं वो नॉर्मली जेस्टेशनल डायबिटीज़ में नहीं होते, लेकिन अगर शुगर्स फर्स्ट 8 वीक्स में हाई हैं तो बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ में शुगर्स नॉर्मली 24वें हफ्ते के बाद हाई होती हैं, इसलिए बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस जेस्टेशनल डायबिटीज़ में नहीं होते। प्रेगनेंसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।